अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ एक होम रेमेडी शेयर करूं और ये होम रेमेडी चेहरे पर अप्लाई किए जाने वाला फ़ेस मास्क है। इसके लिए मैंने चार चीज़ें इस्तेमाल की हैं, एक मुल्तानी मिट्टी, बेसन, चावल का आटा और फटकड़ी। मुल्तानी मिट्टी समझ लें कि मैंने 5-10 चम्मच ऐड किए हैं, बेसन, फटकड़ी और चावल का आटा मैंने 5-5 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसका मिक्सचर एक बॉक्स में डाल के रखा हुआ है और ये चीज़ें मैक्सिमम 100 रुपये में बन जाती हैं। अगर आप अपनी तमाम चीज़ें लेने के लिए बाज़ार जाएं तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें आप अपने किचन में से ही निकाल के मैक्सिमम 100 रुपये में ये सारे मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। अब जब मैंने अप्लाई करना होता है तो आपने देखा होगा कि लेडीज़ जब दूध बॉईल करती हैं तो दूध के पेंदे में उसको निकाल के दूध के पेंदे में थोड़ा सा दूध बच जाता है जिसको आमतौर पर ज़ाया कर दिया जाता है। मैं उसमें एक चम्मच इस मिक्सचर का डालती हूँ और उसको अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना के उसको चेहरे पर और हाथों पर अप्लाई कर लेती हूँ। 15 मिनट के अंदर ये मिक्सचर खुश्क हो जाता है। इसको थोड़ा सा रब कर लेती हूँ और फिर रिमूव कर देती हूँ ठंडे पानी के साथ। इससे चेहरे पर भी निखार पैदा होता है और इजाफी बाल भी झड़ जाते हैं और कोई पिंपल, कोई रैशेस वगैरह नहीं होते और स्किन की टोन भी अच्छी रहती है और इससे काला और गोरा जो फ़र्क आ जाता है चेहरे पर वो भी नहीं रहता है। शुक्रिया।